हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त गौरव और एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और गाइस, आज मैं सुबह बहुत जल्दी सो के उठ गया। आज मैं उठ गया 8 बजे। आपको लग रहा होगा 8 बजे बहुत जल्दी रहा था, मुझे 1:30 बज जाता सोते सोते। वीडियो एडिट कर रही है, फिर आपको सही टाइम पर मिल गई। और कल लाइट भी चली गई थी, फिर आ गई थी, तो थोड़ा टाइम हो गया। तो चलो भाई, कोई बात नहीं। अभी सुबह सुबह उठे से आपको मैंने बोला था कि कल से आपको मेरे व्लॉग के अंदर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी सामने दिखेगी। अच्छी डाइट कैसे लें, अपने आपको मेंटेन कैसे करें पूरे दिन में काम के साथ। तो मैं भी सुबह उठते हुए अपने 2 गिलास पानी पीता था पहले। अभी देखता हूँ कि उसमें पानी है या नहीं है तांबे वाले में, शायद से कॉपर वाले हैं, पानी नहीं है। तो नॉर्मल जो पानी हम पीते हैं वही 2 गिलास पीते हैं। और फिर मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, बाल कटाने जा रहा हूँ मैं, तो ये बाल कटाने जाने वाला हूँ, वहीं मिलेंगे आपको शॉप पर। अभी 2 गिलास पानी पीते हैं। एक तो गर्मी है, बॉडी हमारी हाइड्रेट रहेगी। दूसरा फायदा ये है पानी पीने का मॉर्निंग में उठते ही, कि जो हमारा पेट है वो साफ हो जाता है मस्त। और दूसरा बेनिफिट पानी पीने का ये, हमारी पूरी बॉडी में जो पूरे दिन में डस्ट रहती है वो रहती है, सब चीज़ें पूरी बॉडी में से कम हो जाती है काफ़ी हद तक अगर हम पानी पीते हैं। वही फायदा है। सुबह सुबह आ चुका हूँ बाल कटाने में अपने। बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे और आप लोग यहाँ का रोड देख सकते हो। तो भाई सब लोग लगे पड़े अपने रोचे काम में, एक दो लोग हैं, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। सुबह सुबह गाय देखो आप, मस्त बिल्कुल। महलती खा रही है ये, इसको ना भैया ने आलू के छिड़के डाल दिए हैं, वही खा रही है। देखो आप लोग देख सकते हो, पानी भी रख रखा है इन्होंने इसके लिए, बढ़िया बिल्कुल सही है। ऐसे हेल्प करनी चाहिए इन लोगों की, बेजुबान है ये, देखो बढ़िया रखा है इन्होंने। कूड़ेदान फंसा दिया, देखो कूड़ेदान ही गाड़ी के अंदर कूड़ेदान फंसा दिया, अब निकाल नहीं पा रहे, परेशान हो गया। एक्चुअली उनकी दुकान है ना फास्ट फूड की, जहाँ पर शॉप पर कटवाने आया हो ना पानी के बगल में, वही उसने पूरा कूड़ेदान फंसा दी, वो देखो पूरा फंसा दिया। अंकल मिले, मैं यहाँ पे बाल कटाने आया था। मैंने अंकल को बोला, अंकल जी पहले गर्मी कम होती, कह रहे बेटा वो टाइम बहुत बढ़िया था, कह रहे 69 में हमारी जो सैलरी थी वो 180 रुपये हुआ करती थी, मतलब सन 1969 की बता रहे हैं अंकल जी। तो कह रहे 8.29 पैसे 1 किलो होता था, वही बता रहे हैं अंकल भैया। हाँ अंकल, इसे देख के बोलो कैमरे को, अब बताओ है? अब बताओ भैया, जब हम आए थे जी 29 पैसे किलो आटा मिल रहा था, ठीक है 29 पैसे 10 किलो आटा लाते थे। हाँ हमारा 1.5 महीने चलता था 1 किलो आटा, 1.5 महीने। अच्छा आप अकेले खाते थे? 10 किलो 10 किलो आटा 1.5 महीने चलता था, अब अकेले ही खाते होगे? अकेले। हाँ अच्छा, उसमें कारण ये था, अंकल रहने वाले सुल्तानपुर के। हाँ कारण ये था बेटा, रात के जो 9 बज जाते थे ना, हाँ हम खाना नहीं बनाते, अच्छा होटल में खा लेते, होटल में चले जाते थे। 70 पैसे में भरपेट खाना, होटल के अंदर भरपेट खाना 70 पैसे में। अरे अंकल अभी कितने से, 1 साल के हो है? अभी कितने साल के हो? 74 साल की उम्र है, 74 के हो गए। आप कुछ नहीं करते, फ्री हो गए? हाँ शादी ब्याह सब बच्चों करके फ्री। बच्चे ही सेटल हैं आपके सब दिल्ली में? सब बच्चे सेटल, हम बैंक से रिटायर हो गए। अच्छा बैंक में फिर नौकरी करी थी आपने, सरकारी नौकरी मिल गई थी आपको? 36 साल नौकरी किया बैंक में, सरकारी नौकरी मिल गई थी। कौन से बैंक में? PNB में। 36 साल जॉब कर लिया, चलो बढ़िया है। तो अंकल भाई PNB से रिटायर हुए, फिर बाद में ये गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी उस टाइम पे, है ना अंकल जी? हाँ। इस टाइम पे आप पढ़े लिखे होंगे उस टाइम के? हम पढ़े लिखे थे, 12वीं करी होगी उस टाइम पे? 12वीं करी थी भाई, 12th करी हुई अंकल ने उस टाइम पे। देखो अब इतने बुजुर्ग आदमी बैठे हैं बगल में, इनसे कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं। आज की दुनिया में लोगों को टाइम ही नहीं है बात करने के लिए। अब ऐसा नहीं है व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ, वैसे भी लोगों से बात में ऐसे करता रहता हूँ जी अंकल। तो भाई अब जाके बहुत टाइम मिला, अब जाके बाल कटवाते हैं भैया के पास से, मतलब इनसे बहुत पहले से कटवा रहा हूँ, पहले ने बीच में मिल नहीं रहे जिससे कटवा नहीं रहा था, ये सब कटवा के सही से हो जाएंगे बाल बाल। बहुत दिनों से मुझे भी उलझन सी हो रही है गर्मी की वजह से। तो गाइस बाल बढ़िया कट रहे हैं, बैठ कर इस चेयर में बैठ कर काफ़ी शांति से लगती है, मतलब वैसे तो मेरा मानना है जैसे वो फ्री हैं।
तो गाइज मस्त बार कट चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, और इतना बढ़िया एकदम, मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है, गर्मी है तो हल्का फील भी हो रहा है, और कपड़े मैंने नहा धो के दोबारा पहन लिए दूसरे कपड़े मस्त। तो अब जाते हैं भाई मंदिर, और मंदिर में जाने के बाद भाई पूजा करते हैं बढ़िया सी भगवान जी की, और उसके बाद देख गाइस कल मैं फूल लाया था, तो फूल इतने बढ़िया है, मतलब ताजे ताजे फूल खरीद के मस्त वाले, देखो गुलाब के फूल बिल्कुल फ्रेश, और भाई ये चमेली का पूरी ऐसे पोपली थी, मतलब हमारे फूल तो चमेली के लग रहे हैं बट मैं थोड़े से ले आया था, मुझे अच्छे लग रहे थे लेने में, देखो एकदम मस्त लग रहे हैं भाई ये। और मैंने यहाँ पूजा कर दिया मंदिर में बढ़िया एकदम भगवान जी को। तो गाइस देखते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, क्योंकि अब तो 10-11 बज रहे हैं। तो भाई बन रहे हैं मस्त राजमा, मसाला बन चुका है देखो, छींक और आ गई मेरे, मसाला बनता है ना तो छींक आ जाती है। रियाज चावल तुम्हारा भाई खाएगा नहीं, राजमा रोटी खाएगा, चावल बिल्कुल बन रहा है भाई तुम्हारे भाई का, तो इसलिए थोड़ा परहेज करना पड़ रहा है, क्योंकि यार सही होना जरूरी है, अगर हम सही नहीं होएंगे ना जिंदगी भर खाना है, बट अगर हमें परहेज नहीं करेंगे तो गड़बड़ है, तो जिंदगी भर फिर आप रोते रहो यार दर्द हो रहा। तो मैंने भी सोचा हुआ मेरे को जो चीज़ें बिल्कुल बंद है ना नहीं खा। तो गाइस मस्त वाला ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट में बताइए आपको मस्त चीज़ बनी है, राजमा, तो राजमा आ गई है, रोटी आ गई और खीरा आ गया साथ में। तो अब ये आप सोच रहे हो कि हेल्थी ब्रेकफास्ट कैसे हुआ, राजमा के अंदर अगेन प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और खीरा है, फाइबर होता है हाई, तो सारी चीज़ें हमने डाइट के हिसाब से बढ़िया चीज़ें ली है, और टाइम भी 11:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, इसके बाद में फ्रूट्स खाएंगे। गाइस अब मस्त फ्रूट खाने का टाइम हो गया, मैं बाहर से आ गया हूँ, कुछ काम वाम करना था, कपड़े वपड़े डिलीवर करे एक जगह से लेके आया, धूप बहुत ज़्यादा लगी, बट डाइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी जैसे मैंने आपको बोला है। तो अब टाइम होता है फ्रूट खाने का, तो मौसम्मी एक ही पीस खाऊंगा नहीं खाऊंगी, जुकाम अभी सही हुआ है तो डर डर ये खाना पड़ेगा, बट अभी एप्पल बुरा खा सकते हैं, क्योंकि एप्पल जो होता है वो सर्दी गर्मी दोनों में खा सकते हो, एप्पल खाऊंगा मैं। अरे मौसम्मी मस्त काट रही है हमारी मम्मी जी, मौसम्मी जी मैं पीस खाऊंगा उसमें, काला नमक डाल के खा रहे हैं, और अभी एप्पल एक लेके आऊँगा, एप्पल खा सकता हूँ, आड़ू खा सकता हूँ। तो गाइज ये हो गया मस्त खाते हैं, तो गाइज ये मस्त खाते हैं आड़ू, बिल्कुल फ्रेश है देखो, इसके रोए दिख रहे हैं ज़्यादा, मतलब पुराना नहीं है, खा सकते हैं, और पहाड़ों में थोड़े खाने की ना मज़ा आने वाला है, तो यार पहाड़ों में आड़ू पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जाऊँगा कहीं मैं घूमने पता नहीं, पर खाने का जरूर मजा आएगा। गाइस अभी ना हमारे साथ पोपट हो गया है, देखो थोड़ा सा गला हुआ मिल गया यहाँ से ये अब कोई नहीं, साइड साइड से खाएंगे, बच्चा भाई पैसे लाया खरीद के लाया तो पैसे भी बचाने, साइड साइड से खाते हैं, यहाँ से सही है, साइड से थोड़ा खराब था। हाँ तो गाइज इवनिंग में सो सा के बिल्कुल उठ चुका हूँ आज भाई, 2-3 घंटे सो गया मैं बढ़िया से, आज काम मेरे पास ज़्यादा नहीं, थोड़ा कमी था, तो अब बस उठ के अब भाई चाय नहीं पीऊँगा, हेल्दी डाइट लेनी है, दूध पियेंगे म्यूसली डाल के थोड़ा सा, तो भाई यही खाते हैं, और उसके बाद जाता हूँ बाहर। तो गाइज दूध उबलने में रख दिया है, अभी दूध उबल जाएगा और इसमें डालेंगे म्यूसली, और म्यूसली खाने वाले, और भाई नानू देखो चिप्स लेके आया है, तो ये का दिखाऊंगा ज़्यादा नहीं खाऊंगा यार, अभी देखो हेल्थी डाइट पर फोकस करना है तुम्हारे भाई का, बिल्कुल हिसाब पता ऐसा हो रहा था, गाली फैला फेस और अजीब सा फील हो रहा था, अभी एनर्जी आज बढ़िया फील कर रहा हूँ मैं। तो गाइज मस्त वाली ओट्स सॉरी मस्त वाली म्यूसली आ चुकी है, तो हम म्यूसली खाते हैं मस्त वाली। तो गाइज मेरे को पेट्रोल फिल कराना है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो भरवा लेते हैं, भीड़ अभी कम है, 1/2 घंटे बाद में पूरी फुल भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, अभी ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़ी भीड़ है। तो गाइस मैं लेने आया था कपड़ों के लिए पैकिंग का सामान, यहाँ पे ना हमारे घर के पास ही मिल रहा था, शाम पार्क मेट्रो स्टेशन सामने, और यहाँ पे भैया की शॉप है, आपको यहाँ पे इसलिए पोलोथीन मिल जाएगी, सारा सामान मिल जाएगा, पूजा पाठ का सारा सामान रखते हैं टोटली। तो गाइस मैं आ गया हूँ पतंजलि स्टोर में, मेरे को ना दो 3 चीज़ें लेनी है अपने लिए, एक तो आँखों में डालने के लिए गुलाब जल लेना है, क्योंकि अच्छे गर्मी है तो लू लगती है, 2-3 आइटम खरीदने हैं यार। मैं आपको 2-3 चीज़ें ले लेता हूँ यहाँ से जो मेरे काम की चीज़ है, एक तो हेल्थ के लिए बढ़िया हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगी, जैसे आपको पतंजलि प्रोडक्ट चाहिए हो वो मिल जाएंगे, इवन आपको कोई भी गरम मसाले चाहिए हो वो मिल जाएंगे, सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी ड्राई फॉर्म में, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको इजीली यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ओट्स वोट्स सब है भाई, मेहंदी भी है, हर्बल मेहंदी है, देखो केशकांति वालों की सारी चीज़ें हैं यार। ये जो शॉप है ना लक्ष्मी नगर में बालाजी मंदिर है उसके अपोजिट शॉप है,
सारी चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पे इजीली। भाई मैंने तीन चीजें लिया, तो गुलाब जल लिया स्प्रे वाला, ये सही है स्प्रे मारो तो क्लीन हो जाएगी स्किन, ये लिया। और भाई ये काला नमक अभी जरूरत है इसमें, सलाद वलाद में खाने के लिए बेस्ट है। तो भाई मैंने सामान तो ले लिया है, जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो ले लिया है। भाई सामने ना बढ़िया पूजा हो रही है मंदिर में, शाम की 7:30 बजे की आरती हो रही है, बढ़िया एकदम बढ़िया। मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा एक जगह जाना है, बट मुझे प्रिंट आउट अपने लिए कुछ निकालना है, वो प्रिंट आउट निकलवा लेता हूँ। ये शॉप खोली हुई है देख सकते हो आप लोग, जीने के नीचे बस ड्रकिंग का सारा काम करते हैं भैया ये लोग, देखो आप लोग देख सकते हो जैसे काम हम करते हैं ऐसे ये भी करते हैं। देखो तो ये भी काम कर रहे हैं, उसे देख के हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या बेटर कर सकते हैं, ये तो बिजनेस है। तो देखो इन्होंने भी एक साल पहले ही खोली थी शॉप, पहले पूरी शॉप जो थी इनकी फोटो स्टेट की थी, अब इन्होंने इसको आगे करके और सारा काम ड्रकिंग का शुरू कर दिया। तो देखो तो गाइस मस्त वाला डिनर आ चुका है, डिनर के अंदर है फ्राई वाला राइस और भाई ये है राजमा और साथ में रोटी, तो मस्त खाते हैं। और भाई चावल वैसे में वो मना है पर मैं खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बना है फ्राई वाला, वैसे तो कम ही लिया है मैंने, यही खाते हैं। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।